चार कारण हैं जो सिंगापुर में जॉब बहुत सारी अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारी होंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो मेरी इस इतनी वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो, और जो पहले जो इतना भी रिस्पॉन्स अच्छा है, काफ़ी अच्छा। चाहता हूँ कि सिंगापुर में जॉब्स बहुत सारी क्यों हैं, पेंडेमिक के टाइम पर भी बहुत सारी जॉब्स क्यों हैं। आपको मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि जॉब्स कैसी कैसी हैं, कौन कौन सी है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। उसकी जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इस वीडियो में आपको डाल दूंगा। अब वो जॉब की वेबसाइट्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट की जो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसमें जॉब्स बहुत सारी हम देख सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो इकोनॉमी है ना, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इतनी सारी जॉब्स होने वाली है। अब वो क्या रीज़न है, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ यार, ऐसे कमेंट्स मत करा करो कि सर मुझे, मैं जॉब दिला दो, वो कौन सा एजेंसी है। यार मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। बस एक सवाल ये भी पूछा था कि सर आपके, जो मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी कि 3 सब्सक्राइबर्स को जॉब मिल चुकी है, वो 2 वर्क परमिट पर, 1 S Pass पर। यार तो उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने वीडियो को समझाए, उन्होंने सिंगापुर के वर्क परमिट को समझाए, कैसे चेक करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो आपको जो भी एजेंट, इंडिया में बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको राइट प्रोसीजर पता हो लगा होगा तो आपसे कोई भी चीट आपको नहीं करेगा। का मतलब यह है, एक सीधा सा, आप बुरा मत माना, एक कहावत है, अगर आपको भूख लगी तो आपको खाना खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको जॉब ढूंढनी है विदेश में, तो आपको पहले उस चीज़ के बारे में सर्च करना पड़ेगा कि कैसे जॉब ढूंढी जाती है, क्या तरीके हैं। तो उसके बाद ही आपको, अब हम लोग क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि पहले क्या करते हैं कि कोई वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं सर मुझे जॉब दिला दो, मैंने ये कर रखा है। यार ऐसा कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। बातों को छोड़ो, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जो 4 रीज़न हैं जो सिंगापुर में जॉब बहुत सारी आएंगी और अभी भी हैं, तो वो रीज़न कौन से हैं, मैं घर पर जाकर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करूँगा, क्योंकि बाहर थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है। तो मैं अभी, मेरी शॉप जो है वो बंद करने वाला हूँ, 11:30 बजे के आसपास होता, अभी आधा घंटा है। तो मैं सोच रहा था कि आपको घर जाके इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करूँ। वेबसाइट्स को ना मैं बताऊंगा कि उसमें क्या फ़ायदा है, कि अगर आपको पहले तो जॉब रिसर्च आपके बारे में पूरी हो जाएगी, जो किस कंपनी में जॉब निकली है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो एक ट्रिक होती है कि जैसे किसी कंपनी में जॉब निकली है, वो आगे भी वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट्स करना कि उसके ऊपर भी आप वीडियो बनाओ पहले। थैंक यू। कुछ वीडियो ना ऑलरेडी बना रखे हैं वर्क परमिट के ऊपर, एस पास के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर, कि कैसे एजेंसीज़ कहाँ पर हैं, क्या है। कुछ ऐसी एजेंसीज़ जो सिंगापुर में है, तो उन सब का जो लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन्स में वीडियोस आ रही होंगी। हर वीडियोस में करीब 5 आई बटन्स होते हैं, आप उनको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं जैसे ही घर पर आऊँगा, काम खत्म करके आपको ये वीडियो पूरी करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि सिंगापुर में जॉब का जो कारण क्या है, वो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है, सिंगापुर गवर्नमेंट 4 साइट्स है, ये बहुत अच्छी है। मीन सिंगापुर की जो गवर्नमेंट इतनी लीनियंट है, इतना ईजी वे से आप अगर जॉब परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका वेरी पार्शली, जिसे बोलते हैं, जिसे ट्रांसपेरेंट जिसे बोलते हैं, मीन्स आपके सामने आमने सारा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी इतना टैक्सेस नहीं है। और सबसे पहले गवर्नमेंट की एक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने 1960 में जो है HDB फ्लैट्स इधर बनाए, तो लोगों की टेंशन खत्म होगी। तो इस वजह से सिंगापुर एक हमेशा ही अच्छी कंट्री, अच्छी डेस्टिनेशन रहा है। और जो HDB बनाने का, फ्लैट्स का क्या चक्कर है, ये 90 ईयर्स के लिए लीज पर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एक आदमी HDB फ्लैट जब लेता है तो 90 साल के लिए ही, 99 ईयर्स के लिए होता है। तो एक
एक आदमी को फ्रीडम मिल जाती है कि एक आदमी की लाइफ 70 to 80 ईयर्स और 90 ईयर्स आप लगा सकते हैं। तो एक हाउसिंग की प्रॉब्लम सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत आराम से सॉल्व कर देती है। तो एक आदमी की नॉर्मल लाइफ के लिए रहना खाना पीना यही एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जॉब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इतने HDB फ्लैट्स हर बार बनते रहते हैं, BTO फ्लैट्स होते हैं, कुछ कॉन्डोज होते हैं, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि अपने एशियन अदर कंट्रीज़ की एक बार ले लिया तो 200 250 साल तक उसी की प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ ऐसा नहीं है। मैक्सिमम फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं बट ना के बराबर हैं। तो सबसे बड़ा एक यही एक बेनिफिट है तो सिंगापुर आने का। दूसरा जो कहने का मतलब है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं, एक हाई क्लास जिसे बोला गया है कि हाई क्लास हाईटेक को मैन्युफैक्चरिंग का एक हब माना गया है। यहाँ पर जितनी भी अगर हम बड़ी से बड़ी एमएनसीज देखें वर्ल्ड की, जो सिंगापुर में आपको वहाँ मिल जाएगी, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब वो क्यों अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको जो गवर्नमेंट ने इतना टैक्सेस में रिलैक्सेशन दे रखा है कि आप हमारी कंट्रीज में आओ, हम आपको एक ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्सेस नहीं है। लाइक अगर हम US में बात करते हैं तो स्टेट टैक्स, कंट्री टैक्स, मिस बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। अगर हम एक रिसेंट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो फेसबुक कि आप ओनर को जानते होंगे, पहले US में था, अब उनका सिटीजनशिप भी सिंगापुर में हो चुका है और हेडक्वार्टर जो है वो भी US से आके सिंगापुर में हो चुका है। तो इसी तरह से काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम ड्रग कंट्रीज की बात करें, मिस जो अपनी मेडिसिन इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट बहुत है और सिंगापुर विश्व का तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आता है, तो जॉब्स अवेलेबिलिटीज बहुत है मेडिकल इंडस्ट्री में एंड IT इंडस्ट्री में। अब तीसरा जो पॉइंट है, क्योंकि चार थे और मैं इससे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करोगे तो मैं आगे ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। किसी ने पूछा था कि सर जॉब्स की वेबसाइट के ऊपर भी वीडियो बनेगी, तो काफी इंफॉर्मेशन आने वाली है। सो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स में बताओ। अब मैं यहाँ पर इस चैनल पर हाई क्लास जॉब, मिडिल क्लास, ब्लू कलर सब तरह की जॉब्स आएंगी, जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की बात करूंगा। अगर वर्क फोर्स की बात करूँ मैं तो वर्क फोर्स जो सिंगापुर में है, लेबर से लेके ब्लू कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब, प्लस IT, आर्टिफिशियल AI जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काफ़ी यूज होता है। सो जॉब्स की कमी नहीं है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वगैरह, और यहाँ पर जॉब्स अगर हम ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के देखें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग आती है सिंगापुर की वो दूसरे नंबर पर है, अभी जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए। और चौथी जो यहाँ की सबसे बड़ी है कि सिंगापुर ऑलवेज बिलीव इन इनोवेशन। अब इनोवेशन में जो कंपनीज हैं, ABB है आप जानते हो, सीमेंस है, बहुत सारी है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से सिंगापुर एक तीसरे नंबर पर आता है इनोवेशन के दायरे में। तो कहने का मतलब ये, सिंगापुर में जॉब्स खत्म नहीं होने वाली है, फ्यूचर में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर, लेबर जॉब, सब कुछ जॉब्स अवेलेबल है। इसके रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि अगर हम हाउसिंग में काम करते हैं तो यहाँ पर एवरी हाउसिंग जो 40 50 ईयर्स के बाद डिमोलिश होकर नई बनती है। मैन्युफैक्चरिंग कार वगैरह की जो है नहीं, लेकिन कार इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो 10 साल के बाद स्क्रैप हो जाता है। इनोवेटिव्स है, हर तरह से इनोवेशन चलता है, कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन, अगर हम रोड की बात करें तो उसकी लिमिट होती है कि 2 साल के बाद नया रोड बनाना है। तो इस तरह की जॉब्स बहुत अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो। और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मेरे इसमें दे दूंगा लिंक, अगर कोशिश करूंगा, नहीं तो मेरे चैनल को देखना, वर्क परमिट के ऊपर, एस पास के ऊपर, ग्रेड एजेंट, सारा कुछ मेरे चैनल पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।